गाय का दूध पी रहा था। लोग क्या करते हैं देखिए। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुजय सिनिक सेवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में बेल बटन प्रेस कर ले, क्योंकि सांप से, एनिमल से, रेप्टाइल से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, आज ऐसा ही एक रोमांचक वीडियो आपके बीच लेकर आए हुए हैं। कोई घूम के अंदर आज कई वर्षों से सांप जो है छुप कर बैठा हुआ था, और हमारे दोस्त ने हमें कॉल के माध्यम से बुलाया हुआ है, और कहीं खटाल में सांप निकला हुआ, और उन्होंने उनके मुंह से आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। आइए, क्या बता रहे हैं तो बताइए। एक सांप है, पता नहीं कौन सा सांप है, हम तो पहचाने नहीं है, गाय का दूध पी रहा था, और जब हम उसे ये किए तो इधर भागा हुआ। जी जी जी, दिखाई मिल रहा है सांप अभी? चलिए दोस्तों, देखिए ये वीडियो बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि गाय का दूध पीने वाला सांप आज हमें मिल ही गया इस वीडियो पे। चलिए दिखाते हैं किस जगह पे है। वहाँ से भाग के इस रूम में घुसा हुआ है। कोई देख रहा है? हाँ हाँ, लगाए हैं, देखिए। किधर है? आइए भी, आइए यहीं पे आइए। कोना में वो दो भैया, वो कोना में भी है, वो कोना में। बाप रे बाप, और इनको आप पहचान रहे हैं? शायद पहचान रहे हैं इनको, देखिए इधर, शायद आप इनको पहचान रहे हैं। चलिए इसका परिचय हम बाद में देते हैं। बाप रे बाप, सामने दूर 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 है थोड़ा सा। गाय का दूध पीने वाला सांप, दोस्तों इसी को हम लोग स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं, नाजा नाजा के नाम से जानते हैं, कोबरा के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा जहरीला होता है, किसी को काटने के बाद उसके सामने धुंधलापन छाना, आंख के सामने धुंधलापन छाना, आहिस्ता आहिस्ता शमशान की ओर जाना निश्चित है। इसीलिए कभी भी अगर हमें या आपको सांप काट ले, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, डायरेक्ट सरकारी सदर अस्पताल की ओर जाना है। लोग क्या करते हैं देखिए, लोग क्या करते हैं देखिए, काटते ही ये न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन आपके शरीर के अंदर एंटर करता है, और लोग झाड़ फूक ओझा बुनी तंत्र मंत्र के चक्कर में चले जाते हैं, और अंत में मौत निश्चित हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको और हमें सांप काट लेता है, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। चलिए इसे एक बार देखिए क्या हो रहा है। ठंडा का मौसम, चुपचाप रहिएगा, ठंडा का मौसम आहिस्ता आहिस्ता हमारे झारखंड में दस्तक दे चुका है, और इसी में सांप जो है भोजन की तलाश में आ रहा है, खाने के लिए, भोजन करने के लिए, और भोजन करके ये जो अपने बिल पर छुप जाएगा। और बहुत पुराना हमें ये खंडर लग रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसे में खतरा कहीं से भी और कभी भी आ सकता है। चलिए वीडियो देखकर नकल कॉपी करने का कोशिश ना करें, क्योंकि इस काम में हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक टाइम खतरा बना हुआ है। चलिए टोपी दीजिएगा ना थोड़ा। दोस्तों, इंग्लिश स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी नाग गेहुअन, बंगला गोखरो के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा जहरीला होने के कारण और इसका उम्र करीबन 20 से 22 साल हो चुका है, ये सांप आज इस खटाल में शायद दूध पी रहा था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देकर इसे पैक कर किसी बिग फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सांप है, सांप का जीभ जो है वो फटा होने के कारण सांप दूध शॉकिंग नहीं कर पाता है, इसलिए सांप जो है दूध को हजम नहीं कर पाता है। इसके पेट के अंदर एंजाइम नहीं होने के कारण सांप के पेट के अंदर दूध जाते ही क्या होता है, सांप को उल्टी, सांप को बुखार, निमोनिया और सांप डेथ। इसलिए सांप के लिए दूध जो है एक जहर बन जाता है, क्योंकि पतला कांटा हड्डी नहीं होने के कारण, इतना पतला कांटा है इसलिए ये जो है दूध को हजम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये सांप अगर आपको और हमें बाइट कर ले तो कहां जाना है, सरकारी सदर अस्पताल की ओर। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, क्योंकि तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, ओझागुनी से किसी का जान आज तक नहीं बच पाया है। और आप कह रहे हैं गाय का दूध पी रहा था? हाँ, वहीं पर ही बैठा था। अच्छा, बैठा हुआ था, पीते हुए नहीं देखे हैं? थान का पास था ये।
पी रहा है। देखिए क्या हो रहा है, उससे वहाँ पर गर्मी मिल रहा है और इतना ज्यादा ठंडा हमारे झारखंड में पड़ गया है, इसी के कारण सांप जो है अब निकल रहा है। निकलने के बाद भोजन की तलाश में, भोजन करके ये फिर अपने बिल पर चला जाएगा। तो दोस्तों सांप, ये जानकर रखिए सांप दूध नहीं पीता है, और इसके ऊपर पैर का दबाव गिरते ही ये आपको और हमें बाइट कर लेगा। बाइट करने के बाद एक एलईडी बल्ब 4-5 नजर आएगा। तो वीडियो देखकर कॉपी नकल करने का कोशिश ना करें, क्योंकि इस काम में हर एक सेकेंड, हर एक टाइम, हर एक मिनट खतरा बना हुआ रहता है। और दोस्त लोगों के जितने भी देख रहे हैं, ये सब हमारे दोस्त हैं, इन्हीं के सूचना पर सांप को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। और सांप को पकड़कर हम लोग क्या करते हैं, किसी बिग फॉरेस्ट में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सांप बचाइए पर्यावरण बचा रहेगा। सांप अगर आप लोग मारते हैं तो चूहों का संख्या बढ़ जाता है। और आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस वीडियो को एक दूसरे से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें। शेयर करने से क्या होता है, जानकारियां बढ़ता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को एक दूसरे से शेयर करें। एक छोटा सा लाइक इन सबों के लिए बनता है। हम लोग क्या करते हैं, सांपों को पकड़ कर किसी बिग फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, फोन के माध्यम से सूचना देकर हमें बुलाते हैं, और हम बचा रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट तो दोस्तों बनता है इन सबों के लिए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखकर फिर से एक बार कॉपी मत कीजिए। चलिए आइए। देखिए गाय का सामने ये सांप जो है उस जगह पर कहीं पर बैठा हुआ था, ये रास्ता लग रहा अपना भटक गया था, इसलिए वहां पर बैठा हुआ था। और लोग समझ रहे हैं गाय का दूध पीता है, ऐसा बात कुछ नहीं होता है। गाय का सांप कभी दूध नहीं, कोई दूध जो है सांप हजम नहीं कर पाता। जैसे हमने आपको कहा, सांप के पेट के अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए सांप जो है दूध को हजम नहीं कर पाता है।